15 अगस्त को रेलवे एक नई सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू करेगी। आइए इस वीडियो अपडेट के माध्यम से बात करेंगे ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। भारतीय रेलवे की तरफ से 15 अगस्त को एक नई सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू हो रहा है। यह ट्रेन 15 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक चलाई जाएगी। ऐसे में यह ट्रेन हरियाणा के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जोधपुर से यूपी के गोरखपुर वाया अयोध्या के बीच एक नई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन राजस्थान के डिडवाना, नागौर, जोधपुर और चूरू रेलवे स्टेशन से होते हुए चलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा बताया गया कि ट्रेन नंबर 04829 के साथ यह ट्रेन जोधपुर से गोरखपुर के मध्य चलाई जाएगी। 26 सितंबर तक यह ट्रेन प्रत्येक रविवार को चलाई जाएगी, जहां पर कि 4:15 पर जोधपुर से रवाना होकर शुक्रवार को यह ट्रेन 8:50 पर रात में गोरखपुर पहुंचेगी। इसी तरह से दूसरे दिशा में यह ट्रेन नंबर 04380 के साथ गोरखपुर से जोधपुर के लिए 16 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को 11:25 पर चलाई जाएगी, जहां पर कि गोरखपुर से खुलने के बाद यह ट्रेन रविवार को सुबह 4 बजे जोधपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन के सुविधा के डिटेल्स की बात करें तो इस ट्रेन में एसी थर्ड टायर के 4 कोच सहित स्लीपर के 11 कोच और साधारण श्रेणी के 2 कोच का सुविधा दिया गया है। यह ट्रेन वाया मेड़ता रोड, डिडवाना, रतनगढ़, चूड़ू, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली कैंट, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम, मनकापुर, बस्ती और खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर दोनों ही दिशाओं में रुकेगी। तो यह था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। आने वाले नई ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।